हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के मिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के मिस्ट्री पर। और यहां पर लेके आए हिंदी के 25 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार रिपीटेड क्वेश्चन। और अगर इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं तो इसकी गारंटी देते हैं जो आपके क्लास 12th हिंदी का 10 एमसीक्यू आता है ना, 10 बहुविकल्पी होते हैं, 10 में से यार 9 तो पक्का रहेगा, 10 में से 9 यहीं से फंसेगा। हाँ, देख लीजिएगा। और यार इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? यस के मिश्री टेलीग्राम चैनल का नाम है। जाइए उसको लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहां पे सारे पीडीएफ सारे नोट्स आपको इकट्ठा मिल जाएंगे। ना आपको कहीं जाने की जरूरत है और ना आपको कुछ करने की जरूरत है, सारी चीजें एक ही जगह पे आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे 25 बहुविकल्पी को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले भी, वो भी बहुत ही प्यार से सर करेंगे। देखिए सबसे पहला आप क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। पहला सर क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है? अरे भैया क्वेश्चन है यहाँ पे, काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक थे। जो काशी नागरी प्रचारी सभा थी इसके संस्थापक कौन थे? चार ऑप्शन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य हजार महावीर प्रसाद त्रिवेदी, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो काशी नागरी प्रचारी के जो सर सभा के संस्थापक थे वो थे श्याम सुंदर दास। कौन थे? लिख लीजिए, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी कौन थे? ये काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक थे। कौन थे? श्याम सुंदर दास जी थे, ठीक है गुरुजी। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अरे दूसरा क्वेश्चन है, द मैड मैन का पगला, द मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया है। द मैन मैड, द मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? वासुदेव सड़ग्रवाल ने, राय कृष्णदास ने, संपूर्णानंद ने, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ख वाला हो जाएगा, राय कृष्णदास। द मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ये किए थे डॉक्टर राय कृष्णदास ने किया था। चले गुरुजी, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है यार, आखिरी चट्टान, आखिरी चट्टान रचना की विधा है, आखिरी चट्टान रचना की विधा है, आखिरी चट्टान रचना की विधा क्या है? निबंध संग्रह, यात्रा विवरण, उपन्यास या कहानी संग्रह? तो सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ख वाला हो जाएगा, आखिरी चट्टान रचना की जो विधा है वो क्या है? यात्रा विवरण है। क्या है? यात्रा विवरण है। ये रसगुल्लो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है यार, छाप लो, क्योंकि 10 ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में आएंगे। कितने ऑब्जेक्टिव? 10 ऑब्जेक्टिव, वो भी 12th हिंदी के क्वेश्चन पेपर में। अगर 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे तो 10 में से कम आप एक्यूरेसी के साथ 8 ऑब्जेक्टिव तो कर ही लें, कम से कम आप 8 ऑब्जेक्टिव तो कर ही लें, क्लियर है ना। चलिए इसके बाद यहाँ पे चौथा है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? जीवनी है, कहानी है, डायरी है या फिर आत्मकथा है? तो जो मेरी असफलताएं हैं ये किस विधा की रचना है? देखिएगा, जैसे मेरी असफलताएं यहाँ पे विधा पूछा है, कभी कभी क्या दे देता है कि चलिए किस लेखक का है, किस लेखक का है, या फिर जो भी है कवि का नाम बताइए, तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो ये चीज याद रखना। तो ये है क्या है? आत्मकथा है। मेरी असफलताएं किसकी है? आत्मकथा है। लेकिन किसका है आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दो, इसके लेखक कवि कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। चौथा प्रश्न यहाँ पे है, चिंतामणि किस लेखक की रचना है या चिंतामणि की रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेव वर्मा या प्रेमचंद्र? तो जो चिंतामणि है उसके रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है तो यहाँ पे ये बताइए कि जो चिंतामणि है यह किस विधा पर आधारित है? क्या है? यह किस विधा पर आधारित है? इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन याद करके रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, पर्दा कहानी के लेखक हैं, पर्दा कहानी के चलिए बताइए लेखक कौन है आपको बताना है। तो अगर जब याद रहेगा तभी तो बताएंगे ना, पर्दा कहानी के लेखक सर भगवती चरण वर्मा है, भीष्म कसानी है, जैनेन्द्र कुमार है या फिर यशपाल है। तो जब आपको क्वेश्चन पता रहेगा तभी उसका आंसर कर पाएंगे, जब क्वेश्चन आपको पता ही नहीं रहेगा उसका आंसर कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन को भी याद करें, तो इसका राइट आंसर आपका घबाला हो जाएगा। उसके बाद है डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक हैं वासुदेव सड़ग्रवाल, अमरकांत, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी या फिर डॉक्टर हजार प्रसाद त्रिवेदी? तो जो यहाँ पे डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक हैं सर जी वो हैं अमरकांत। कौन है? अमरकांत, अमरकांत, अमरकांत सर कौन है? यह डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक का नाम है।
सातवां सर प्रश्न क्या है, जीवन और दर्शन की रचनाकार हैं, जीवन और दर्शन की रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्णदास, डॉक्टर संपूर्णानंद या रामवृक्ष बेनपुरी? तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, वो हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद गुरु जी, जीवन और दर्शन के कौन है, रचनाकार हैं। उसके बाद यहाँ प्रश्न नंबर 8 आएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या श्याम सुंदर दास? तुक्का वाला राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, यह हिंदी साहित्य की भूमिका क्या है, लेखक है। उसके बाद 9वां यहाँ पे ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र या पंडित लल्लू लाल? तो वो हो जाएगा ग वाला, प्रताप नारायण मिश्र सर ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? अब हिंदी प्रदीप किस विधा पर है, किस विधा पर आधारित है, विधा पर आधारित है, इस प्रकार से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन ठाकुर, जगमोहन सिंह या फिर राजा शिव प्रसाद? तो वो हो जाएगा कवाला, बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर, जयशंकर प्रसाद की रचना है आनंद मठ, तितली, भारत दुर्दशा या फिर संस्कृत की चार अध्याय? तो वो है तितली। तितली किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी का, याद कर लीजिए, संस्कृत चार अध्याय के लेखक, भारत दुर्दशा, आनंद मठ। इस प्रकार से भी याद करेंगे ना तो और बेहतर रहेगा, वो तो मैं जब आप लाइव सेशन देता हूँ तो उसमें आपको मैं बताता भी हूँ। अगला है 12 नंबर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है आवारा मसीहा, विचार प्रवाह, तट की खोज या 10 द्वार के सोपान तक? तो हो जाएगा ख वाला, वो कौन सा हो जाएगा, विचार प्रवाह। उसके बाद 13 वाला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य और समाज, साहित्य और समाज ठीक है ना, और बोध, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, विचार की शोध, शोध। तो हो जाएगा वाला, क्या हो जाएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका जो है प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 हो जाए, निम्नलिखित में से प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, तो मेरे विचार, साहित्य और समाज, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, धरती के फूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ वाला, धरती के फूल, क्लियर है ना। उसके बाद यहाँ पे वासुदेव सर अग्रवाल की कृति है, मेरी असफलता है, माता भूमि, आधे अधूरे या आखिरी चट्टान? तो ख वाला राइट आंसर हो जाएगा माता भूमि, किसकी है, वासुदेव सर अग्रवाल की कृति है। मर्यादा पत्रिका का संपादन हुआ था जयशंकर प्रसाद, मतलब मर्यादा पत्रिका का संपादन किसने किया, संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद त्रिवेदी या अगेन है? तो ख वाला राइट आंसर संपूर्णानंद ने। महावीर प्रसाद त्रिवेदी किस संस्थान ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया, हिंदी हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारणी सभा, केंद्रीय शिक्षा संस्थान या संपूर्णानंद विश्वविद्यालय? तो ख वाला राइट आंसर हो जाएगा नागरी प्रचारणी सभा। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 हो जाएगा, मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है, निबंध है, पृथ्वी पुत्र है, संस्कृत स्मरण, लेखा चित्र? तो ख वाला हो जाएगा एक निबंध है। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, वासुदेव सर अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है, धरती पुत्र, पृथ्वी पुत्र, राष्ट्र चेतना या संस्कृति गौरव? तो ख वाला राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी पुत्र, क्लियर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, भारत वर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, हिंदी गद्य की विधा है, निबंध, उपन्यास, आलोचना, नाटक? तो ख वाला राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, निबंध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निबंध आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, कल्पवृक्ष, पुर्योदय, कल्पलता या फिर और अंत में? तो ग वाला राइट आंसर हो जाएगा कल्पलता, क्लियर है। राजा भोज का सपना के कथाकार कौन है, किशोरीलाल गोस्वामी, शिव प्रताप सितारे हिंद, इंसान लाखा या फिर रामचंद्र शुक्ल? तो हो जाएगा ग वाला, शिव प्रसाद सितारे हिंद, क्लियर है। उसके बाद हो जाएगा निंदा रस निबंध के रचनाकार है, चलिए बताइए निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है यार, सबसे आईएमपी वाला, जी हाँ आईएमपी वाला क्वेश्चन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद त्रिवेदी, प्रेमचंद्र, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार? तो उग वाला हो जाएगा, वो कौन हो जाएगा, प्रेमचंद्र सर, प्रेमचंद्र जो है ना, प्रेमचंद्र जो है ना, ये है निंदा रस के निबंध के क्या है, रचनाकार है सर, रचनाकार है, किसके हैं, निंदा रस निबंध के क्या है, रचनाकार है, क्लियर है ना। हर एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी केतकी की कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद, सदल मिश्र, इंसान लाखा या मुंशी सदा सुखलाल? तो गा वाला राइट आंसर हो जाएगा, रानी केत की कहानी के लेखक जो है सर जी, वो है इंसान लाखा, इंसान लाखा है। गेहूं और गुलाब के लेखक हैं, गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है, बताइए फटाफट, गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राहुल संस्कृत्यायनन, रामवृक्ष बेनपुरी, बिंदा लाल वर्मा
तो है ग वाला राइट आंसर। गेहूं और गुलाब के सर लेखक जो हैं वो हैं राम वृक्ष बेनपुरी, राम वृक्ष वृक्ष बेनपुरी जी हैं। तो यहाँ पे मैंने 25 हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपके पेपर में आने की संभावना है। और ये अगर 25 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, तो भाई साहब हिंदी का जो 10 ऑब्जेक्टिव आएगा नोट ठोक कराओगे, गारंटी हमारी है, ठीक है ना। और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी भेज दूंगा, तो जाके एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर। और चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।